इस वीडियो में हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कूलॉम्स लॉ हुआ आपका, ठीक है, ईएसडी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज क्या होता है, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम किस में आएंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड कंडक्शन। किस में आएंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्शन में आएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ क्या है, व्हाट इज कूलॉम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इट एक्ट्स अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस कंसिडर टू बी पॉइंट चार्जेस। जो दो लाइन को ज्वाइन करता है, दो जो हमारे रहते हैं चार्जेस उसको ज्वाइन करता है, इसीलिए इसको पॉइंट चार्जेस भी बोला जाता है। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस क्या है आपका, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ऑफ द कूलॉम लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन बाई क्यू टू, ठीक है। फिर सेकंड हो जाएगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर टू आर स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा तो एफ प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर पे हो जाएगा। अब यहाँ पर एक कॉन्स्टेंट के होता है, के आपका क्या होता है, के आपका कंटेंट करता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो ये कांस्टेंट, हम इस सारी वैल्यूज को हम के फॉर्म में ले लेते हैं। वेर के इज द कांस्टेंट, के जो है कांस्टेंट है, क्यू वन क्यू टू आर चार्जेस, क्यू वन क्यू टू चार्जेस है, डी रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन क्यू वन क्यू टू एंड एफ इज द फोर्स बिटवीन देम। तो ये इसकी कुछ क्वांटिटीज है, क्यू वन क्यू टू आपके चार्जेस हैं, के आपका कॉन्स्टेंट है और एफ आपका फोर्स है, दो चार्जेस के बीच में। अब इसका हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, हम मैथमेटिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम कूलॉम्स लॉ पे आ जाते हैं। जैसे कि हमें पता है कूलॉम्स लॉ क्या होता है, एफ प्रोपोर्शनल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है। अब इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे, इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हमें करना पड़ेगा एफ प्रोपोर्शनल टू, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यहाँ पर हो जाएगा क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कूलॉम्स लॉ का डेरिवेशन है जो कर रहे थे, के की जगह हमने क्या रख लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर ले लिया हमने। फिर इसके बाद ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, ठीक है, ये बन जाएगा क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे, ये देखिए ये फ्री स्पेस का कॉन्स्टेंट परमिटिविटी होती है और ये हमारी जो एप्सिलॉन नॉट आ रहा था, ये हमारी एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी या एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी इसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद थर्ड स्टेप में आ जाएंगे तो हो जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन ओनली क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इन शॉर्ट इसको क्या लिखेंगे, इन शॉर्ट में लिखेंगे एफ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वेयर एप्सिलॉन इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एप्सिलॉन जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, के और ईआर जो है इज द रिलेटिव परमिटिविटी, ईआर जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है, क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, परमिटिविटी है और ये हमारी एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ठीक है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, ये दो हो गया। फिर एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारा, एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इज द फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, किसकी है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। इसके बाद के और एप्सिलॉन नॉट इज आल्सो कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, के और एप्सिलॉन आर को हम क्या बोलते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ऑफ मीडियम इन विच द टू टू चार्जेस आर प्लेस्ड, जहां पे दो चार्जेस हमारे प्लेस हुए हैं। वही डेफिनेशन यहाँ भी दी गई, जो मैंने अभी डिराइव की है वही डेफिनेशन है, कूलॉम्स लॉ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज न्यूटन, क्या होता है इसका, इसकी जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कूलॉम लॉ,
यानी कि चार्ज क्यू वन और क्यू टू डिवाइडेड बाई उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि क्यू वन और क्यू टू ये है, मान लीजिए यहाँ पर क्यू वन है क्यू टू है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है आर है और डी है, और कभी कभी डी स्क्वायर भी लिखा रहता है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो इसको हम पॉइंट चार्जेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो हमारी आर स्क्वायर है, ये इसकी वैल्यू दिया गया है। एप्सिलॉन नॉट आर की वैल्यू हमारी होती है 4π × 10⁻⁷ होती है, -7 होती है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी 1 होती है। अब हमारा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द फिनोमेना ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेशनरी ऑफ द स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज। जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी बीच की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना अराइजेस फ्रॉम द फोर्सेस एंड इलेक्ट्रिक चार्ज अट्रैक्ट्स और रिपल्स टू इच अदर डिस्क्राइब्ड बाय द कूलॉम लॉ। ये जो कूलॉम लॉ में जो एफ है हमारा फोर्स है, ये आपकी वही डेफिनेशन डिफाइन करता है जो आपकी कूलॉम लॉ में होती है। ये दो चार्जेस को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है और रिपल करता है। अब इस डायग्राम में देखिए क्या है। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। देखिए ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ये लाइन से पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करते जाएंगे। मतलब कहीं से भी लाइन आएगी तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती जाएगी, ठीक है। यहाँ से लाइन आ रही है, दूसरे को अट्रैक्ट करती जाएगी, अट्रैक्ट करेगी, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करके इस तरह का डायग्राम आपको बनाएंगे। अब हम बात करते हैं फील्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर दो प्लस प्लस आपके आ गए, यानी कि दो चार्ज सेम सेम उसके हैं, सेम साइन के हैं, जैसे प्लस प्लस है या माइनस माइनस हो जाता है, या प्लस माइनस होता है तब तो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल कर देते हैं। ये वेव लाइन्स हैं आपकी, किधर चली जाएंगी, बाहर के साइड, ये रिपल करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये रिपल करते चले जाएंगे। इसी तरह इसमें भी यही है, इधर से भी जो आप लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा वो जो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपल करेगा। अब हम बात करते हैं ईएसडी की। ईएसडी क्या है आपका, इलेक्ट्रो स्टैटिक डिस्चार्ज है। ईएसडी इज सडन मोमेंटरी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बिटवीन द टू डिफरेंशियली चार्ज ऑब्जेक्ट्स व्हेन ब्रॉट क्लोज टुगेदर एंड व्हेन द डाइलेक्ट्रिक बिटवीन देम ब्रेक्स डाउन ऑफ्टन क्रिएटिंग ए विजुअल लिंक एसोसिएटेड विद द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिटवीन द ऑब्जेक्ट। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज में क्या है कि जब आपका जैसे एक कैपेसिटर का एग्जांपल लेते हैं, कैपेसिटर की एक प्लेट होती है एनोड, दूसरी होती है कैथोड, ठीक है। तो प्लस माइनस दोनों होते हैं, उसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक भरा होता है। अगर डाइलेक्ट्रिक हमारा क्या हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो जाता है या डाइलेक्ट्रिक उसमें नहीं रहता है, ठीक है, ब्रेक्स डाउन हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो सडन जो स्पार्क होगा, करंट का स्पार्क जो आता है वो लाइट के फॉर्म में चमकता है, यानी कि जो वो होता है मोमेंटरी चेंजेस होता है उसी को हम ईएसडी बोलते हैं। अब ईएसडी क्या है, ईएसडी कैन क्रिएट ए स्पेक्टिकुलर इलेक्ट्रिक स्पार्क लाइटनिंग विद द साउंड ऑफ थंडर। जो लाइट हमारी चमकती है उसमें क्या होती है, एक दूसरे से मतलब जो उसमें लाइटनिंग होती है, गड़गड़ाहट होती है, वो इसी का रीजन ये ईएसडी ही है। एग्जाम्पल ऑफ लार्ज स्केल ईएसडी, ये जो है थंडर जो गड़गड़ाहट से जो आपकी बिजली चमकती है वो लार्ज स्केल ईएसडी का एग्जाम्पल है। ईएसडी कैन ऑल्सो बी हार्मफुल इफेक्ट ऑफ इम्पोर्टेंस इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं, जैसे कि गैस इन एक्सप्लोजन एक्सप्लोजन इन गैस, गैस में जो एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, उसका कारण भी यही होता है, ये ईएसडी होता है। फ्यूल वेपर जो होता है और कोल डस्ट भी जो होता है, इसका कारण भी हमारा क्या होता है, ईएसडी ही होता है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द करंट फॉर्मूला इसमें क्या है, द करंट फॉर्मूला डिराइव बाय द ओम्स लॉ। जो इलेक्ट्रिसिटी की फिनोमिना है वो ओम्स लॉ के द्वारा डिराइव की जाती है। करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो करंट है वो डिफाइन जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसी को डिफाइन करती है, इज एन इलेक्ट्रिक करंट।
द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, क्योंकि जीरो के पे तो हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होता है, कोई भी बॉन्ड नहीं टूटता है। जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं यानी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जनरेट होते हैं और उसके बाद वो फ्लो करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण जो करंट फ्लो, जो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो कारण जो करंट आती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। द करंट इज ऑल्सो नोन एज द रेट ऑफ चेंजेस ऑफ करंट। इसमें क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट रहता है, ठीक है। जितना आपका क्यू वन क्यू टू है, यानी कि जो आपके चार्जेस हैं, जितना चेंजेस होंगे वही आप चेंजेस आपके इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में, जो इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपका, एक चार्ज है, ठीक है, निगेटिव चार्ज है। तो इसी तरह से जो भी चेंजेस उसमें होंगे इलेक्ट्रॉन्स में, वो हमारा करंट के फॉर्म में कंसिडर किया जाता है। द टाइम करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई आई। तो करंट जो है आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट जो है क्या है, एम्पियर है। अब कूलाम्स लॉ डिफाइन कैसे करते हैं, आई इज इक्वल टू बी बाई आर होता है, वेयर आई करंट होती है, बी वोल्टेज होता है, आर रेजिस्टेंस होता है। आई किस में मेजर करते हैं, एम्पियर में, बी को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट्स में, और आर को किस में मेजर करते हैं, हम कूलाम्स में हम मेजर करते हैं। अब हम रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रेजिस्टेंस तुम्हारा आप क्या होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द सब्सटेंस ड्यू टू द विच अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। जो भी इसके इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, यानी करंट फ्लो होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस क्या काम करता है, जो करंट फ्लो करती है उसका अपोज करता है, यानी कि उसको उसको फ्लो नहीं होने देता है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। क्या है लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, इसको किस में डिफाइन करते हैं, ये एक हमारा फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। तो ये जो हमारा रेजिस्टेंस का लॉ जो है, वो किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले तो ये किस पर डिपेंड करता है, सबसे पहले इट वेरीज विथ लेंथ, ये लेंथ के साथ वेरीज करता है ये फॉर्मूला। इट वेरीज इनवर्सली एज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, ये टेम्परेचर के कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। तो इसको हम रो को क्या कहते हैं, यहाँ पर रो जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये होता है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं रो को, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब एसआई यूनिट क्या होती है रेजिस्टिविटी की, हमारी होती है ओम मीटर, ओ एच एम, ओम मीटर, ये हमारी इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। अब हम आते हैं स्मॉलर, अब देखिए क्या है, इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कोई कोई एक लकड़ी का वो है, डंडा है, ठीक है, तो अगर वो मोटा है तो इस तरह से रहेगा, और उसकी हाइट अगर कम है, यानी कि लेंथ जो है अगर उसकी कम है और एरिया ज़्यादा है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए के फॉर्मूले से क्या होगा, अगर हमारा एरिया बढ़ेगा, ठीक है, तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा हाई हो जाएगा। इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, इस केस में हमारा स्मॉलर एल हो जाएगा, एल स्मॉलर हो जाएगा, स्मॉलर एल, लार्जर ए, लार्जर ए, जब ए यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा रहेगा और लेंथ छोटी रहेगी, लेंथ ये है आपकी, पूरी लेंथ है ये, ठीक है, छोटी रहेगी, क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा रहेगा, तो आर इज इक्वल टू रो बाई एल से, रो एल बाई ए से निकाल लेंगे आप, क्या निकालेंगे, अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस आपका कम हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए एरिया बहुत कम है लेकिन लेंथ बहुत ज़्यादा है किसी वुड की या लकड़ी की, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लेंथ ज़्यादा है और एरिया हमारा कम है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए से क्या हो जाएगा, एरिया हमारा कम है यानी कि इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा।